नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीसी एकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत में यूरोपीय आगमन के अंतर्गत देखने जा रहे हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन। भारत विश्व पटल पर व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अरब तथा यूरोपीय व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। अरब से जमीन के रास्ते भारत पहुंचना आसान था, लेकिन यूरोप से भारत में जमीन के रास्ते पहुंचना कठिन था। अर्थात यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार तो करना चाहते थे, लेकिन भारत पहुंचना जमीन के रास्ते जटिल था, अर्थात व्यापार महंगा पड़ता था। इसी उद्देश्य के साथ 1494 को स्पेन के नाविक कोलंबस भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग के खोज हेतु स्पेन से निकले, लेकिन कोलंबस 1494 को पहुंच गए एक नए देश अमेरिका। और इस प्रकार से कोलंबस भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। और इस प्रकार से 1494 को कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से निकलते हैं भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग के खोज हेतु। और इस प्रकार से वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप अरब सागर से होते हुए 20 मई 1498 को कालीकट के निकट कप्पक डापू नामक बंदरगाह पहुंचते हैं। और यहां पर वास्को डी गामा की मुलाकात होती है कालीकट के शासक राजा जमोरिन से। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर जाते हैं पुर्तगाल, और वहां पर वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाते हैं। तो इस प्रकार से 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है उत्तरी अमेरिका, यह आपका है उत्तरी अमेरिका, यह आपका है अलास्का कनाडा यूएसए मैक्सिको, यह आपका है दक्षिणी अमेरिका, यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप, यह आपका है अफ्रीका महाद्वीप, यह आपका है दक्षिण अफ्रीका, यह है यूरोप महाद्वीप, यह है यूरोप महाद्वीप, यूरोप में ही है, यह आपका है रशिया, इधर पकड़ते हैं एशिया महाद्वीप, यह है दोस्तों भारत, यह आपका है सऊदी अरब टर्की इत्यादि, यहां पर है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिएगा, ये है पुर्तगाल, ये आपका स्पेन, ये आपका स्पेन, स्पेन के नाविक कोलंबस भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग के खोज हेतु निकलते हैं। स्पेन के नाविक कोलंबस, स्पेन के नाविक कोलंबस, और कोलंबस के द्वारा 1494 को अमेरिका की खोज की जाती है, अमेरिका की खोज की जाती है कोलंबस के द्वारा। लेकिन कोलंबस वास्तव में निकले थे भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज हेतु। यह आपका है पुर्तगाल, पुर्तगाल के नाविक निकलते हैं वास्को डी गामा, पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डी गामा, वास्को डी गामा इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप को पकड़ते हुए इसके पैरेलल
चलते हुए पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, यहां पर है केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डी गामा अरब सागर से होते इस प्रकार से पहुंचते हैं कालीकट, केरल के कालीकट के कप्पक डापू बंदरगाह। यह है दोस्तों केरल का, यह आपका है केरल का, यह है केरल का कप्पक डाबू, कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह, कप्पक डापू बंदरगाह कालीकट। वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकले थे 8 जुलाई 1497 को और वास्को डी गामा 20 मई 1498 को पहुंचते हैं भारत के केरल, भारत के केरल के कप्पक डापू बंदरगाह में। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा 8 जुलाई 1498 को पुर्तगाल से निकले थे केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के केप ऑफ गुड होप, अरब सागर होते हुए केरल के कप्पक डापू बंदरगाह कालीकट पहुंचते हैं 20 मई 1498 को। यहां पर वास्को डी गामा की मुलाकात होती है कालीकट के शासक राजा जमोरिन से, राजा जमोरिन से। और वास्को डी गामा भारत से वापस लेकर जाते हैं पुर्तगाल काली मिर्च, और वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से, काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाते हैं, काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से काली मिर्च लेकर आए थे केरल, और केरल में बेचकर 60 गुना अधिक लाभ कमाए। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, वास्को डी गामा भारत के केरल से काली मिर्च लेकर गए पुर्तगाल और वहां पर व्यापार कर 60 गुना अधिक लाभ कमाया। वर्तमान में मान्यता यह है कि वास्को डी गामा काली मिर्च भारत से लेकर गए थे और भारत से पुर्तगाल लेकर गए काली मिर्च और पुर्तगाल में जाकर 60 गुना अधिक लाभ कमाए। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा के द्वारा पुर्तगाल में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया गया। काली मिर्च जो कि भारत की मूल उपज है दोस्तों, काली मिर्च का उत्पादन क्षेत्र है केरल। तो इस प्रकार से 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की, भारत की खोज नहीं की बल्कि भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा भारत आए थे 20 मई 1498 को और ये भारत पहुंचे थे कालीकट के निकट कप्पक डापू नामक, कप्पक डापू नामक बंदरगाह। ये है दोस्तों हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, आज के हिसाब से ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वास्को डी गामा भारत आए थे 20 मई 1498 को, अर्थात भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, यह है दोस्तों आज का यूरोप, यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल से भारत के कालीकट स्थित कप्पक डाबू बंदरगाह कालीकट पहुंचे थे 20 मई 1498 को वास्को डी गामा। और यहां पर वास्को डी गामा की मुलाकात होती है राजा जमोरिन से। पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकले थे 8 जुलाई 1497 को, और इस प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की सफलतापूर्वक खोज की। और वास्को डी गामा यहां से केरल से लेकर गए थे काली मिर्च, और पुर्तगाल में काली मिर्च के व्यापार से इन्हें 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 20 मई 1498 को भारत आने वाले पहले पुर्तगाली है वास्को डी गामा। यह है भारत आने वाले पहले पुर्तगाली। इसके बाद 1500 में भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। 1500 में भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। और 1505 में भारत आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने पुर्तगालियों को भारत में स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई थी। भारत में हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक शक्ति को स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने
ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई थी। अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति का उद्देश्य था हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक शक्ति को स्थापित करना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा भारत के हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक शक्ति को स्थापित करने हेतु शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी। अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति के जनक है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये थे दूसरे पुर्तगाली गवर्नर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को युद्ध में हराकर उनसे गोवा छीना था। तो इस प्रकार से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में माने जाते हैं पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक। भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी बनाई थी कोचीन में। 1503 में पुर्तगालियों की प्रथम कोठी बनी थी कोचीन में। इनकी अन्य कोठियां थी कुन्नूर, यह कुन्नूर गोवा। पुर्तगालियों की पहली कोठी थी कोचीन। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों की अन्य कोठी या कारखाने थे कुन्नूर गोवा, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली ये पकड़ना है हुगली। तो इस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों का आगमन हमने डिस्कस किया। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज हेतु पुर्तगाल से निकले थे और सफलतापूर्वक 20 मई 1498 को कालीकट स्थित कप्पक डापू नामक बंदरगाह पहुंचते हैं। वास्को डी गामा की कालीकट के राजा जमोरिन से मुलाकात होती है। वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर जाते हैं पुर्तगाल और यहां पर व्यापार के द्वारा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाते हैं। पुर्तगालियों की पहली कोठी बनती है कोचीन में 1503 में। इनकी अन्य कोठियां है कुन्नूर गोवा, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, हुगली। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। भारत आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर थे 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के जनक है। हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक शक्ति को स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति को अपनाया गया। 1509 में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। इस प्रकार से भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का आगमन।